दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत और आपकी मेहनत के आगे 1% भी नहीं है, ठीक है। ये बात आजीवन आप सभी याद रखिएगा। क्लास को स्टार्ट करूंगा उसके पहले बोल दूं, अभी आपको मैं कराऊंगा 11 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब आप सब बोलेंगे भैया आज तो 12 मई है, कल ये क्लास मैंने आप सभी को नहीं दिया था, ना ये क्लास ना प्रतिशत का 8वां नंबर क्लास। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं कल क्लास नहीं दे पाया। लेकिन एक बात और, यह 11 मई को अभी ये क्लास आपको मिल रहा है और 12 मई वाला क्लास भी आज ही आपको दोपहर में 2 बजे भी मिल जाएगा करेंट अफेयर का, जो आपका अप टू डेट हो जाएगा। दूसरी बात, प्रतिशत का भी जो क्लास है ना 8वां पार्ट, वो आपको आज शाम को 6 बजे मिलेगा लाइव क्लास में, ठीक है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। उसके पहले बोलूंगा हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा जो है सक्सेस की 98। उसके बाद आप अपने फोन के ऊपर हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। और वहां से अगर 349 वाला पैकेज बाई करेंगे तो 1 साल का वैलिडिटी मिलेगा, यानी 1 साल तक आने वाले हर एक एग्जाम का, रेलवे, बैंक, SSC, हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आप हमारे एप्लीकेशन पर दे सकते, ताकि एग्जाम से पहले अपने आप को जज कर पाओ। और पहला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने 3 योजनाओं को जो है वो लॉन्च किया है, नाम क्या है। पहला योजना जो है वो है आपका बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, तीसरा जो है पोटोहो खेल विकास योजना। अब मैं आपको एक दो चीज और बताऊंगा। देखो ये जो 3 योजना लॉन्च किया गया है वो एक्चुअल में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। और वो भी किस रोजगार को, तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए यह 3 योजना जो है वो लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा, तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। और आज का पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है, झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम, राज्यपाल का नाम और राजधानी का नाम आपको कमेंट कर बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी MD और CEO किसे बना दिया गया है मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस का, तो उनका नाम क्या है। उनका नाम है आपका कृष्णन रामचंद्रन, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। क्या मैंने बोला, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस भारतीय अमेरिकी, वो कौन सा आदमी है जो भारत में जन्म लिया है लेकिन अमेरिका में रहता है, उसी को बोलते हैं भारतीय अमेरिकी। एट्रोनी को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संघीय अदालत के न्यायाधीश के रूप में नामित किया है, बहुत बड़ी बात है। और उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका सरिता कोमेटी रेड्डी, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाँ, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो आपका हैदराबाद में पड़ता है, इसने COVID-19 से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों को लेने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। जो यह कंपनी है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो हैदराबाद में पड़ता है, इस कंपनी ने ईस्टर्न रिसर्च प्राइमेट लिमिटेड जो बेंगलोर में पड़ता है, इस कंपनी के साथ डील साइन किया है ताकि COVID-19 पैंडेमिक यानी कोरोना वायरस महामारी से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों को लेने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, और यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, भारतीय नौसेना ने भारतीय नागरिकों को विदेश से वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, उसका नाम बताना है। और आज के डेट में ये क्वेश्चन इतना पॉपुलर है, इतना ट्रेंडिंग है, आप सभी जगह TV सोशल मीडिया में देख पा रहे होंगे और सभी को पता भी होगा। आंसर क्या है, समुद्र सेतु, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। अगला, और हाँ, इंडियन नेवी के चीफ कौन है, तो सभी को पता है भैया करमबीर सिंह। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने सामाजिक भेदभाव और संगरोध उपायों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, उस कार्यक्रम को नाम क्या दिया गया है, निगाह,
ठीक है, यह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है यह आप सभी को बताना है। और यह शुरू किया गया है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, नाबार्ड ने किसानों को लोन देने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए देश भर के राज्य सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक और क्षेत्र ग्रामीण बैंक को कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? किसने भुगतान किया? नाबार्ड। तो नाबार्ड ने कितना लोन दिया है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को? तो 12,767 करोड़ रुपए का। ठीक है, याद रखिएगा। और नाबार्ड के चेयरमैन के ऊपर तो एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। तो नाबार्ड के चेयरपर्सन कौन है? हर्ष कुमार भनवाला। अगर बात करें कि गठन कब हुआ था नाबार्ड का, तो आप क्या बोलेंगे? 12 जुलाई 1982 को। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है आपका मुंबई में। अगला प्रश्न हमारे सामने, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? और यह मनाते हैं हम सभी 8 मई को। ऑप्शन नंबर आपका ए, अगर एग्जाम में पूछे वर्ल्ड थैलेसीमिया डे हम लोग कब मनाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 8 मई को। अगला प्रश्न हमारे सामने, तेलंगाना राज्य सरकार ने एक कानून लाया है और उन्होंने बोला है अगर तेलंगाना में लोग अगर मास्क नहीं पहनते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। कितने का जुर्माना लगाया जाएगा यह आपको बताना है। तो तेलंगाना राज्य सरकार जो है, अगर वहां पर कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है और इस कानून को तोड़ता है तो उसके ऊपर 1,000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। और तेलंगाना के कैपिटल क्या है? हैदराबाद। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री कौन है वहां के चंद्रशेखर राव। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर सद्भावना राजदूत के रूप में दिया मिर्जा जो थी उनको ये कार्यभार संभाला गया था, आप सभी को पता है। लेकिन इनका जो अवधि था इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये और कब तक रहेगी यूएनईपी के गुडविल एम्बेसडर के रूप में? तो यह 2022 तक इस पद पर रहेगी, ऑप्शन नंबर आपका ए। और एक बात, पहले तो यूएनईपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, आप सभी भूलिएगा मत। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नैरोबी, जो आपका केन्या में पड़ता है। गठन कब हुआ था इसका? 1972 में। और इसके हेड कौन है? तो इंगर एंडरसन, जो एक महिला है वो इनकी हेड है, ये भी आप सभी जो है याद रखिएगा। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कब का? 11 मई का। और साथ साथ मैंने ये भी बोल दिया है आप सभी को, क्या बोल दिया है? 12 मई, आज 12 मई है, तो 12 मई का भी जो करंट अफेयर है आज दोपहर में 2 बजे हमारे चैनल पर ही मिलेगा। साथ साथ प्रतिशत का 8वां पार्ट भी आपको शाम को 6 बजे मिलेगा। और आप सभी बोल रहे थे 11:30 बजे वाला क्लास भैया फिर से स्टार्ट कर दीजिए, तो बिल्कुल बोलते हैं आपको कल इसके बारे में। ठीक है ना। सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और अभी मैंने आप सभी को 11 मई के करंट अफेयर करवाए हैं, ये आप सभी कम से कम याद रखिएगा। 12 मई का आपको दोपहर में 2 बजे अपडेट करा दिया जाएगा। सो सभी को गुड मॉर्निंग, अपना ख्याल रखना, अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। ठीक है ना। चलिए।